Hi guys, welcome back to my channel. Today I'm planning a trip to Murdeshwar. Basically, this is a travel vlog. So I'm getting ready now. गाइस वीडियो फास्ट फॉरवर्ड मोड में है क्योंकि सिंपल बेसिक मेकअप है तो मैंने इसे फुल शूट करना ज़रूरी नहीं समझा एंड प्लस वीडियो का लेंथ भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। चलो मैं रेडी हो चुकी हूँ, चलो चलते हैं। क्योंकि लॉन्ग जर्नी है सो हम मॉर्निंग टाइम में ही निकल रहे हैं। दिस इज माय आउटफिट फॉर द डे, चलिए चलते हैं। मैं तो सजेस्ट करती हूँ अगर आप भी कोई लंबी ट्रिप प्लान करते हो ना, देन आप भी जो ट्रिप है वो मॉर्निंग टाइम में ही स्टार्ट करें, क्योंकि एक तो मूड भी फ्रेश रहता है एंड ताज़ी ताज़ी हवा में नेचर को एंजॉय करते हुए जाने में और ज़्यादा मज़ा आता है। मुर्डेश्वर जाते वक्त आपको रास्ते में एक बहुत ही फेमस सा और खूबसूरत सा बीच मिलता है, दैट इज़ मरवंते बीच। हमने सोचा जाते जाते ज़रा इस बीच को भी एंजॉय करते हुए चलते हैं एंड लगे हाथ आपको भी इसका एक छोटा सा नज़ारा देते हुए चलते हैं। हम मरवंते बीच पहुँच चुके हैं, मैं आपको कुछ इसके यहाँ के व्यूज दिखाती हूँ। नाउ टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस, ये जो बीच है ये मैंगलोर से अराउंड 112 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है एंड मैंगलोर से पहुँचने में 2 घंटा लगता है। इनकेस अगर आप बैंगलोर से आ रहे हो देन 9 आवर्स का टाइम लगता है, 420 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। अदर स्टेट से आ रहे हो देन अदर स्टेट से आपको मैंगलोर वाला ट्रेन लेना है। मैंगलोर वाला ट्रेन लेने के बाद आपको कुंदापुरा स्टॉप उतरना है। कुंदापुरा से मरवंते आने के लिए आपको इजीली टैक्सी मिल जाएगा। ये बीच वाकई में बहुत ही ज़्यादा यूनिक है गाइस, क्योंकि अगर आप इसे दूर से देखते हो ना देन एक बाजू में समंदर एंड दूसरी ओर एक नदी दिखती है, दोनों के बीच में से एक हाईवे निकलता हुआ दिखता है। सच में ये इंटरेस्टिंग प्लेस है एंड वन ऑफ द बेस्ट बीच है। घूमने के लिए अगर आप कभी भी यहाँ पे आते हो देन हाईवे में जो शॉप्स लगे हैं ना वहाँ से आप नारियल पानी जरूर पीना, क्योंकि एक तो यहाँ पे नारियल पानी फेमस भी है एंड नारियल पानी पीने के बाद आपको सच में बहुत ही ज्यादा फ्रेश एंड रिफ्रेशिंग फील होगा, तो ट्राई जरूर कीजिएगा। And now the Murdeshwar trip begins. मैंने आपको नहीं बताया गाइस कि हम आज मुर्डेश्वर क्यों जा रहे हैं। मुर्डेश्वर जैसे कि नाम से पता चल गया होगा, मुर्डेश्वर शिव भगवान का दूसरा नाम है। तो यस आज हम मुर्डेश्वर टेम्पल एंड उसके बाजू में जो एक बहुत ही फेमस बीच है, तो ये दो प्लेस देखने के लिए आज हम निकले हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना ये मेन एंट्रेंस है, इसके अंदर जैसे ही आप जाओगे ना तो कुछ ही दूरी में आपको टेम्पल एंड बाजू में बीच दिखेगा। एंट्रेंस एंड टेम्पल के बीच में आपको काफ़ी सारे होटल्स एंड लॉजेस मिलेगा जहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। गाइस अभी हम मुर्डेश्वर पहुँच चुके हैं, सो हम ये सोच रहे हैं कि आज हम यहाँ पे बोटिंग वगैरह जाएंगे एंड कल सुबह हम टेम्पल जाने वाले हैं। हम यहाँ पे जया पैराडाइज लॉज में ठहरे हुए हैं जैसे कि आपको मैंने दिखाया, और हमने ये वाला रूम बुक किया है। ये रूम एक्चुअली काफ़ी स्पेशियस है, ब्यूटीफुल लोकेशन है प्लस अफोर्डेबल प्राइस में भी आता है। इसके विंडो से आपको शिव स्टैचू दिखता है। यहाँ पर आपको काफ़ी अफोर्डेबल रूम्स भी मिलता है। यहाँ पर रूम प्राइस स्टार्ट होता है 800 रुपीज़ ऑनवर्ड्स एंड इट डिपेंड्स कि आप कौन सा रूम कौन से लोकेशन में बुक कर रहे हो। सो हियर इज़ द रूम टूर। करके थोड़ा बहुत फ्रेश होने के बाद फाइनली हम बोटिंग करने के लिए निकल चुके हैं। गाइस हम जया पैराडाइज यहाँ पे ठहरे हुए हैं। अगर आप यहाँ पे आते हो विजिट करने के लिए तो आपको नियर बाय बहुत सारे लॉजेस एंड रूम्स मिलेंगे जहाँ पे आप अपना टाइम बिता सकते हैं। दिस इज द प्लेस, दिस इज माय हबी। दिस इज कॉल्ड राजा गोपुरा और द 20 स्टोरीज टावर। इसके बारे में डिटेल में चलिए हम बाद में बात करते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर बोटिंग।
The mesmerizing face of Lord Shiva, the Blue Arabian Seas, along with the Rajgopura, provides a breathtaking view to the viewers. Agar aap nature lover ho, then this is the must visit spot and is one of the best tourist place to visit in Murdeshwar. As I already said before, this is the world's second tallest Shiv statue. आप आसपास के कोई भी locations पर रहो, आपको शिव statue नजर आना ही है. आपको beach पर से, आजू बाजू के hotels room से, हर जगह से आपको शिव statue नजर आता है. In fact, जब आप train से travel करते हो ना कर्नाटका side, आपको train से भी ये statue दिखता है. Beach पे आप water rides का भी मजा उठा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे family boat ride है, speed boat है, banana boat ride है, scuba diving है, तो काफी सारे options है, starting from 100 rupees onwards. यहाँ पे corners पे बहुत सारे shops लगे हुए है. अगर आपको street shopping करना पसंद है, then यहाँ पे आपको एक से एक shops लगे हुए मिलेंगे जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो. डेली वेयर टी शर्ट से लेकर ईयर रिंग्स, बैग्स, हैंडीक्राफ्ट आर्टिकल्स, फैंसी आइटम्स, काफी सारी शॉप्स है. सिर्फ स्ट्रीट शॉपिंग ही नहीं, यहाँ पे काफ़ी सारे फूड स्टॉल्स एंड चाट सेंटर्स भी लगे हुए हैं. यहाँ पे आप फूड बेस्ट नहीं बोल सकते, बट ओकेश है, एक बार एक्सपीरियंस करने में बुरा ही क्या है. घूमते घूमते थक गए तो हमने यहाँ पे काफ़ी सारे चाट्स भी ट्राई किया. यहाँ पे आपको हॉर्स एंड कैमल राइडिंग का ऑप्शन भी मिलता है. अगर आपको पसंद है तो आप उसके लिए भी जा सकते हो. देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है, यहाँ पे काफ़ी सारे वाटर स्पोर्ट्स अवेलेबल है. अगर आपको रियल एक्सपीरियंस चाहिए, देन आप कोई भी एक बोट राइड ज़रूर ले. आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि आपको एक ऑलराउंड व्यू मिलता है. इतने दूर से आके इतना प्यारा सा लोकेशन विजिट करने के बाद, आई डोंट थिंक सो आपको कोई भी चीज़ मिस करना चाहिए. आपको पता लग रहा होगा कि हमने यहाँ पे कितना एंजॉय किया. पानी के साथ खेले कूदे, बहुत बहुत ही मस्ती की. आप जब कभी भी यहाँ आओगे तो आई सजेस्ट आप यहाँ पे वन नाइट जरूर स्टे करना, क्योंकि नाइट टाइम में लाइट्स ऑन होने के बाद शिव स्टैचू बहुत ज्यादा अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल लगता है. बीच पर से फ्रेश फिशेस मिलते हैं, जो फिशिंग बोट के थ्रू आसपास के स्टॉल्स एंड लोकल मार्केट में डायरेक्ट सप्लाई किया जाता है. इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन, देन आपको ये सुन के ज़रूर अच्छा लगेगा कि यहाँ पे फिश स्टॉल भी अवेलेबल है. फिश स्टॉल में काफ़ी वेराइटी के फिशेस है. आपको कौन सा फिश चाहिए एंड आपको कैसी चाहिए, वो आप उनको बोल सकते हो, तो उस हिसाब से वो आपको आपके सामने ही बना करके दे देंगे, जो आप वहाँ पे भी बैठ के खा सकते हैं या फिर आप उसे पार्सल भी ले जा सकते हैं. ये जो टावर आपको दिख रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इसको राजा गोपुरा बोलते हैं. टोटल 20 स्टोरेज का टावर है. इसका हाइट 249 फीट है. टॉप फ्लोर जाने के लिए लिफ्ट फैसिलिटी दी गई है. टॉप फ्लोर से आपको फुल क्लियर व्यू मिलता है, जैसे कि शिव स्टैचू भी दिखता है एंड पूरा ओशियनिक व्यू भी मिलता है. मुर्डेश्वर टेम्पल एंड गोपुरा दोनों भी इंटरनली कनेक्टेड है. मुर्डेश्वर टेम्पल की एंट्री गोपुरा से होती है, यानी कि अगर आपको टेम्पल में जाना है, देन आपको गोपुरा से होकर के जाना पड़ेगा.
राजागोपुरम के टॉप फ्लोर में जाने के लिए यहाँ पे लिफ्ट फैसिलिटी दी हुई है। ये जो आप लंबी सी लाइन देख रहे हो ये टिकट काउंटर की लाइन है। गोपुरम के टॉप फ्लोर जाने के लिए 10 रुपीज़ चार्ज लगता है। जैसे ही टॉप फ्लोर पहुँचोगे ना, आपको 4 से 5 छोटे छोटे विंडो दिखेंगे जिसके थ्रू आप शिव स्टैचू एंड समंदर का खूबसूरत नज़ारा देख पाओगे। शिव स्टैचू के ठीक नीचे एक केव बना है जो कि म्यूजियम की तरह दिखता है, जिसका नाम भू कैलासा केव है, जहां पे एंट्री करने के लिए आपको 10 रुपीज़ चार्ज लगता है। इस केव में कुछ स्टैचूज बने हुए हैं जो रामायण एंड महाभारत के किरदारों के बारे में है, एंड ऑल्सो गोकर्ण एंड मुर्डेश्वर की कहानी को भी दर्शाया गया है। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, लोकेशन एंड हाउ टू रीच मुर्डेश्वर। अगर आप मैंगलोर से मुर्डेश्वर आ रहे हो देन मैंगलोर से मुर्डेश्वर के बीच में 160 किलोमीटर डिस्टेंस है। अगर आप मैंगलोर से प्राइवेट व्हीकल करके आ रहे हो बाई रोड देन 3 घंटे की जर्नी है। ट्रेन्स भी अवेलेबल है, ट्रेन्स के लिए भी सेम ही टाइम लगता है, दैट इज 3 आवर्स, एंड बसेस भी अवेलेबल है। अगर आप मुंबई से मुर्डेश्वर ट्रिप प्लान कर रहे हो देन मुंबई और मुर्डेश्वर के बीच में टोटल 740 किलोमीटर डिस्टेंस है। अगर आप मुंबई से बाई रोड आते हो फ्रॉम प्राइवेट व्हीकल देन 17 आवर्स टाइम लगता है। ट्रेन से आते हो देन 18 आवर्स का टाइम लगता है। इनफैक्ट बसेस भी अवेलेबल है। मुंबई से मुर्डेश्वर के लिए कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप मुंबई से मैंगलोर के लिए फ्लाइट ले करके देन अपना जो जर्नी है वो प्लान कर सकते हैं, एज आई ऑलरेडी सेड, बाई ट्रेन, बाई बस, बाई रोड। गाइस, उम्मीद है कि आपको मेरा ये ट्रैवल ब्लॉग पसंद आ गया होगा, एंड अगर आपको पसंद आ जाए देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।